देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आ जाने के बाद हर किसी का ध्यान इस ओर है कि आखिर समाजवादी पार्टी इतनी मेहनत के बाद भाजपा को क्यों नहीं हरा पाई। यूपी में फिलहाल एक नई सियासत का जन्म हो गया है, समाजवादी पार्टी के भीतर ये सियासत हो रही है। आखिर सपा की इस हार का बिल किसके नाम पर फाड़ा जाए, ये सवाल उठ रहा है। और फिलहाल डिंपल यादव की मुश्किलें इस कड़ी में बढ़ती हुई साफ साफ नज़र आ रही हैं। आपको बता दें, डिंपल यादव के कुछ बयानों के चलते सपा की छवि जनता के बीच धूमिल हुई है। अंदर खाने से ये आवाज़ उठारी हुई सुनाई पड़ रही है। डिंपल यादव के पर्सनल अटैक हैं जिसका खामियाजा जनता ने उन्हें दिया है, ये कहा जा रहा है। दरअसल सिराथू में पल्लवी पटेल की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर डिंपल यादव ने बयान दिया। इस बयान के सामने आने के बाद डिंपल की जमकर आलोचना हुई, कई जगहों पर खुलकर इसका विरोध देखने को मिला। डिंपल यादव ने लोहे में लगी जंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों की तुलना की थी। समाजवादी पार्टी के अंदर अब कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को खुद ही ऐसा लगने लगा है कि अगर डिंपल यादव ने ऐसा बयान ना दिया होता तो वाराणसी की सभी सीटें भाजपा के पक्ष में नहीं जाती। समाजवादी पार्टी के भीतर ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर डिंपल यादव ने इस तरीके का पर्सनल अटैक योगी आदित्यनाथ पर ना किया होता तो चुनावी परिणाम आज और भी ज़्यादा सपा के पक्ष में हो सकते थे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।